मैडम क्लास बच्चे में आपका जाना मैं रमा वर्मा श्याम मेरी 12 किताबें आ चुकी हैं। चौथी किताब है वो मैंने स्त्रियों के लिए की है, महिलाओं को केंद्र बिंदु बना के मैंने सारी लिखी। मैंने सिर्फ कहानियों में जो मेरी 20 कहानियाँ आए इनमें सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं बल्कि मैंने उनके जवाब भी ढूंढे हैं और अपनी कहानी के माध्यम से भी जवाब दिया। अच्छा मैडम, जो आपने महिलाओं के लिए जो किताब 20 लिखी है उसमें महिलाओं को आपने डायरेक्ट इंडिकेट किया है, तो उसमें महिलाओं को आप समाज में किस स्तर पर आगे देखना पसंद करेंगी अपने किताब की मदद? मैं तो चाहूँगी कि महिला को पूर्ण रूप से जो पहले चार दीवारी बंद रहती थी खुल के जीती थी वो अब स्थिति है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अब महिला को अपने अधिकार वो समझने लगी है, वो जागरूक हुई है, वो पढ़ी लिखी पढ़ने लिखने लगी है, तो उसको चाहिए कि अधिकार मिले। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको पढ़ना लगना नहीं आता लेकिन आपकी अपने किताब के माध्यम से जागृति फैला रही है, लेकिन उन तक आपकी बात किस तरीके? वो समय बहुत पहले की बात कर रहे थे जब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी। अब बहुत महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और आगे सर्विस भी कर रही हैं। जो वर्किंग वूमेंस हैं वो अपने वर्क में भी उन्हें शोषण होता है, अत्याचार उसकी भी मैंने कहानी लिखी है। उनमें भी जो शोषण और अत्याचार पुरुषों के द्वारा होता है उसके लिए भी मैंने जवाब सवाल नहीं किए, सिर्फ जवाब भी नहीं दिया अपनी कहानी। आज जो कार्यक्रम रहा है मैडम उसका ध्येय क्या है सबसे कुछ? इसका मेन ध्येय तो मेरे पति श्री श्यामलाल वर्मा जेल विभाग में जेलर के पति हैं, उनकी पुण्यतिथि मैं मनाती हूँ। उस पुण्यतिथि को मैं जैसे सब लोग कोई तीर्थ यात्रा कराया कोई कुछ मतलब है, लेकिन मैं वो न करके मैं अपने इन साहित्यकारों को अपना ब्राह्मण मानती हूँ और इनको बुला करके मैं इनकी सेवा में मैं कुछ भी कर सकती हूँ करती हूँ, तो इसलिए मेरा बिल्कुल अलग ये है। और पुण्यतिथि वाले दिन मैडम आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ यात्रा है, आज पुस्तक का विमोचन हुआ है उसके विषय में अपडेट। ये पुस्तक मैंने जो लिखी है वो स्त्रियों को केंद्रित करके लिखी है और इसमें मैंने अभी बताया कि था आपको कि उसमें मैं सारी 20 कहानियाँ हैं 20 कहानी स्त्रियों के ऊपर और ऐसी कहानियाँ हैं आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। ठीक है। जो ससुराल में गई वहाँ से ससुराल वालों ने निकाल दिया, पार्क में बैठी हुई है और वो घर मायके में आई तो बाप भाभी और भैया नहीं रहने दे रहे, कहाँ जाए उसका घर कहाँ होना चाहिए। तो मैंने जब लड़की सवाल करती है माँ उसका जवाब देती है, माँ जवाब देती है कि बेटी मैंने तेरे लिए दहेज ना देकर एक प्लेट मैंने तेरे पास उसमें तू आ अपने इच्छा के रंगों पर उतर, अपने एहसासों को सजा, उनके पर्दे डाल और उसमें आगे रहेगी, समझौता होगा तब होगा। मैडम ये पुष्प गंध सभी को सुवासित करता रहे उसका मकरंद। हमें दो दो सालों से आपका स्वागत नहीं आती।
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।